हमारा एक ही मकसद है कि मजबूती से जीतना और सामने वाले को हराना। और उस समय तक भारतीय जनता पार्टी साथ में था और चुनाव हुआ। तो जब जाहिर है कि भाजपा के नेता ने भाजपा नहीं चाहता है कि बिहार में गरीब पिछड़ा को कल्याण हो। अमन छोड़ अपना अमन बेच देगा, चमन छोड़ अपना चमन बेच देगा। अरे मीडिया के साथी, कलम के सिपाही अगर सो गए तो पतन के सिपाही पतन बेच देगा। आज संजय के दिन में भी और शॉर्ट टाइम पे आप लोग यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। गरीब पिछड़ा आवाज को निर्णय लिया है अपने इनके वरिष्ठ साथी सब मिलकर वीआईपी पार्टी को मजबूती देने के लिए इच्छा जता है। और हमें बहुत खुशी प्राप्त हुआ कि हमारे अभिभावक स्वरूप विज्ञान जी का एक बड़ा अनुभव रहा है। देश के प्रधानमंत्री जो बनने वाले चंद्रशेखर जी के साथ काम किए हैं और आज वीआईपी पार्टी के साथ आए हैं वीआईपी पार्टी को मजबूती देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व हर जाति वर्ग में काम करेंगे और पार्टी के कम समय में हम लोग शिकायत पहुँचाएंगे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पर विज्ञान स्वरूप जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इनके जितने भी समर्थक यहाँ उपस्थित हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इनके जितने भी सहयोगी हैं जो यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा आशा उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार भी आगे बढ़ेंगे। इसमें कल तक हम लोग निश्चय लेंगे और दोनों क्षेत्र में गोपालगंज और सामान्य हमारे संपूर्ण और हमारा एक ही मकसद है कि मजबूती से जीतना और सामने वाले को हराना। इसके बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने रणनीति बना के तैयार है। अभी हम देख रहे हैं कि मैदान में सामने वाला किनको उतार रहे हैं उनका इंतजार है। वो जैसे उनका नाम घोषणा हो जाएगा वैसे हमारी पार्टी की तरफ से नाम का रूप लिया जाएगा। देखिए वो कहते हैं ना कि चोर बोलते हैं जोर से, वही सुशील मोदी जी हैं गलत वो किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को घेर रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि चार बार पंचायत चुनाव बिहार में हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तीन बार नगर निगम का चुनाव हुआ और उस समय तक भारतीय जनता पार्टी साथ में था और चुनाव हुआ। और आज सिर्फ डेढ़ महीना पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है और उसके बाद बिहार में रोक लगा। तो जब जाहिर है कि भाजपा के नेता ने भाजपा नहीं चाहता है कि बिहार में गरीब पिछड़ा को कल्याण हो और उन्होंने ये काम कराया है और वो अपना दोष जो है ना वो दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग आने वाले समय में शीघ्र ही पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, गाँव गाँव जाकर एक एक लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस तरीके से बिहार के लोगों के साथ चल कर रही है सिर्फ सत्ता पाने के लिए। मैं जमे जमा इस बात सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अमन छोड़ अपना अमन बेच देगा, चमन छोड़ अपना चमन बेच देगा। अरे मीडिया के साथी, कलम के सिपाही अगर सो गए तो पतन के सिपाही पतन बेच देगा। हमारा क्या होगा, किसका क्या होगा, ये कोई खास मान्य नहीं रखता है। हमारे मिजाज में चंद्रशेखर विचार मंच के लोगों के मिजाज में बात आती थी क्या जो चल रहा है बिहार ऐसे ही चलता रहा तो उस बिहार का क्या हो। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने चंद्रशेखर विचार के साथ क्यों ये फैसला किया है कि जिन लोगों ने अपने व्यक्तित्व अपने बदल पार्टी को देश को बिहार को ही देश को दिशा देने का काम किया है। ऐसी स्थिति में यदि उसके पीठ पर कोई चाकू भोंकता है ऐसी परिस्थिति में जब दूसरा चौहत्तर का आंदोलन से आए निश्चित तौर से भी कहते थे कहना अगर बराबर है तो समझौती काफी है। जैसे मैं विचार मंच का लोग इस बात को याद रखते हुए है आज की पार्टी के साथ तमाम जैसे विचार के लोगों ने सहमति जताई है और पार्टी में विलय होने का विलीन करने का निर्णय लिया है। साथ में साथ आप उसके सहमति के नेतृत्व में काम करेंगे और
किसी के लिए मोहताज नहीं हुए। ये जमात किसी जात का जमात नहीं है, जमात का जमात है। ऐसी परिस्थिति में यह जमात मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार के हर अच्छे नेता कामों के साथ संघर्ष करेगा और संघर्ष के साथ मुकेश जी के नेतृत्व को एक नए दिन आने वाले समय में बिहार के नेतृत्व को बरूद करवाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग मीडिया के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।